नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। खबर है करनाल की, जहां पेंशन बहाली संघर्ष समिति की ओर से आज करनाल में जोरदार प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर शहर में प्रदर्शन किया। इसके उपरांत सभी कर्मचारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी अमरेंद्र सिंह के निवास पर पहुंचे। उन्होंने ओएसडी अमरेंद्र सिंह के निवास का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं ने मांग करते हुए बताया कि सरकार द्वारा कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन बनती है उसको बंद कर दिया गया है, जो कि एक तानाशाह रवैया के तहत यह कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी एकमात्र यही मांग है कि कर्मचारियों की पेंशन बहाल की जाए। इस अवसर पर उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन भी जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम देने की बात कही। इस अवसर पर पुलिस ने पुख्ता प्रबंध किए गए थे ताकि धरने प्रदर्शन के दौरान कोई अनहोनी घटना न घटे। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल, वाटर कैनन, गाड़ियां, अन्य अस्त्र शस्त्र के साथ मौजूद रहा। हमारा केवल एक ही मुद्दा है कि हम अपनी पुरानी पेंशन, जो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन 1972 स्कीम थी, उसको लागू कराने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए। हमारा केवल एक ही मुद्दा है। तो आज किससे मिलने आए? हम आज सीएम हाउस का घेराव करने के लिए यहाँ बैठे हैं और सीएम से हम वार्ता करना चाहते हैं। हमारी टीम गई हुई है, जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या मांगे हैं मुख्य आपकी? मुख्य हमारी एक ही मांग है, सिर्फ हम चाहते हैं कि जो 1972 की पुरानी पेंशन है वो हमारी लागू की जाए। जो ये नेता लोग हैं खुद पुरानी पेंशन ले रहे हैं और जो कर्मचारी है, चाहे पुलिस में है, चाहे सीआरपीएफ में है, चाहे बिजली बोर्ड में, चाहे मेडिकल में, हर जगह जो भी 20-30 साल सेवा करता है उसको कोई पेंशन नहीं, और ये एक दिन के लिए विधायक बन जाए तो भी पेंशन। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।